नमस्कार। बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई और सटे उपनगरों में दही हांडी का उत्सव मनाने को लेकर खूब उत्साह दिखाई दे रहा है। वही उत्सव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में शहमात का खेल शुरू हो गया है, तो मुंबई में जल्द ही बेस की वातानुकूलित डबल डेकर बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। आज बेस द्वारा ऐसे ही एक बस का अनावरण किया जा रहा है। वही कथित फोन टैपिंग मामले में जांच का सामना कर रही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने कल रात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर मुलाकात की, तो उधर नितिन गडकरी भाजपा के संसदीय बोर्ड से हटा दिए गए हैं। राकांबा ने कहा है कि एक दक्ष राजनेता के तौर पर उनके बढ़ते कद की वजह से उन्हें बोर्ड से हटाया गया है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हमने कोई गद्दारी नहीं की, हमारे ही पीठ में छुरा भोंका गया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोरोना महामारी के दो साल बाद मुंबई और सटे उपनगरों में दही हंडी का उत्सव मनाने को लेकर खूब उत्साह दिखाई दे रहा है। वही उत्सव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में शहमात का खेल शुरू हो गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र के कई मंडपाओं में अगले कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए हर पार्टी के नेता इस मौके को मनाना चाहते हैं। वर्ली के जंबोरी मैदान में शिवसेना नेता सचिन अहिर की संस्था संकल्प प्रतिष्ठान की ओर से यह उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह मैदान बीजेपी ने पहले ही बुक कर लिया है। इसके चलते अब अहिर को दूसरे स्थान पर आयोजन करना पड़ेगा। इस क्षेत्र से युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे विधायक है। इस बार जंबोरी मैदान पर बीजेपी की तरफ से उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें गोविंदा पथकों का सम्मान भी किया जाएगा। दही हंडी उत्सव के आयोजकों ने विधायकों और पूर्व नगर सेवकों से संपर्क किया है। आयोजकों के मुताबिक टी शर्ट से लेकर अन्य वस्तुओं तक के लिए विधायकों और पूर्व नगर सेवकों ने मदद की है। उत्सव के दौरान टी शर्ट से लेकर बैनर तक पर नेताओं के नाम दिख सकते हैं। कुल मिलकर दही हंडी का आयोजन एक तरह से पूरी तरह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी, जिसमें स्थानीय राजनेता अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करेंगे। भाजपा इस उत्सव को भुनाने की कोशिश में है। महानगर में जल्द ही बेस की वातानुकूलित डबल डेकर बस सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। आज बेस द्वारा ऐसी एक बस का अनावरण किया जा रहा है, जिसे स्विच नाम की कंपनी ने बनाया है। डबल डेकर बसों के अलावा ऑफिस आने जाने वालों के लिए बेस्ट ऐप बेस्ट बस सर्विस चलाने जा रही है। ये बेस की प्रीमियम बस सेवाएं होगी। परिवहन क्षेत्र के अलावा बेस की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में भी कुछ नया होने जा रहा है। मुंबई की सड़कों पर बेस द्वारा ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट लगेगी। वर्ष 2025 तक बेस में सभी बसें इलेक्ट्रिक करनी है। इसके लिए बेस 900 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बसें भी खरीद रही है। योजना के अनुसार मार्च 2023 तक 50% बसें इलेक्ट्रिक करनी है और 2025 तक 100% बसें इलेक्ट्रिक होगी। इनमें से 1400 सिंगल डेकर एसी, 400 मीडी एसी और 100 मिमी एसी बसें होंगी। बेस के अनुसार प्रति लाख यात्री 60 बसें होनी चाहिए। बता दें कि मुंबई और एमएमआर में कई मोबाइल ऐप बेस्ड बस सेवाएं और टैक्सी सर्विस चलाती है। इन सेवाओं का लाभ हाई क्लास उठाता है, जिन्हें यात्रा के दौरान पूरा आराम और सुविधाएं चाहिए। ऐसे ग्राहकों को टारगेट करने के लिए बेस भी अपने बेड़े में हाई एंड बसें जोड़ने की योजना बना रही है। इनका किराया भी सामान्य बसों से ज्यादा रहेगा। बेस की महाप्रबंधक लोकेश चंद्रा ने बताया कि 30-40 बसों का पहला लॉट 3-4 महीने में आ जाएगा। कथित फोन टैपिंग मामले में जांच का सामना कर रही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने बुधवार रात महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। हालांकि नेता ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि बैठक में क्या बातचीत हुई, पर उन्होंने बताया कि यह सच है कि रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुंबई की कोलाबा पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और उनसे इस साल अप्रैल में शुक्ला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक अदालत को बताया था कि उन्होंने कथित फोन टैपिंग मामले में शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति मांगी है। इस साल अप्रैल में शुक्ला के खिलाफ दायर आरोप पत्र में शिवसेना सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एकनाथ खड़से सहित कम से कम 20 लोगों के बयान शामिल है, जिसके फोन कथित तौर पर टैप किए गए थे जब शुक्ला महाराष्ट्र राज्य खुफिया विभाग का नेतृत्व कर रही थी। गौरतलब है कि एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विशेष शाखा की शिकायत पर शुक्ला के खिलाफ भारतीय टेलीग्राम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कोलाबा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हाल ही में कही गई दो बातें अब सामने आ गई है। एक तो उन्होंने कहा था कि उनका मन कभी कभी राजनीति छोड़ने का करता है, क्योंकि जीवन में करने को और भी बहुत कुछ है। उन्होंने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया था कि राजनीति आजकल सामाजिक परिवर्तन के लिए साधन के बजाय सत्ता में बने रहने पर ज्यादा केंद्रित है। दूसरे फडणवीस को लेकर उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन अगर वह केंद्र में जाते हैं तो चंद्रशेखर बावनकुले राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ आगे चलकर क्या होता है यह राज्य की जनता को पता है। दोनों ही बातें आज सामने आ गई है। गडकरी भाजपा के संसदीय बोर्ड से हटा दिए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, एक दक्ष राजनेता के तौर पर उनके बढ़ते कदम की वजह से उन्हें बोर्ड से हटाया गया। एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड टेस्टो ने ट्विटर पर कहा कि जब आपकी योग्यता और क्षमताएं बढ़ती है और आप वरिष्ठों के लिए चुनौती बन जाते हैं तो बीजेपी आपके पैर कतर देती है, दागियों को बढ़ाया जाता है। दरअसल अलग अलग राजनीतिक दलों के नेतृत्व के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाले मुखर नेता नितिन गडकरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई है। शिवसेना उद्धव गुट के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने एक साक्षात्कार में कहा था कि हमने कोई गद्दारी नहीं की है। आज के जमाने में मीडिया सोशल मीडिया की उपलब्धता के कारण लोग देख रहे हैं कि हमारे पीठ में छुरा भोंका गया। लोगों ने देखा है कि हमारी जब सरकार थी तो किस तरह काम हो रहा था। कोविड जैसे संकट में भी हमने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया, लोगों के दुख में पल पल साथ रहे, काम करने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों में हमेशा शामिल रहे। सभी पैमानों पर इन कामों की बदौलत हमारे लोग साथ बने रहेंगे। जब से अपनों ने हमारे साथ गद्दारी की, लोगों का हमारे प्रति प्यार और बढ़ गया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि गद्दारी सिर्फ सरकार गठन या बीएमसी चुनाव के लिए नहीं हुई, इसका मकसद ठाकरे परिवार को राजनीति से दूर करना है। उन्हें ऊपर से जो स्क्रिप्ट हाथ में दी जाती है वही बोलते हैं। अगर स्क्रिप्ट थोड़ा भी बदलते हैं तो माइक छीन लिया जाता है। अगर सरकार के अंदर हुए पोर्टफोलियो वितरण की बात करें तो इसमें कोई संतुलन नहीं है। आपस में विरोधाभास दिख रहा है और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, सभी देख रहे हैं। हम तीनों दल मिलकर सिर्फ राज्य हित में काम कर रहे थे। 3 अलग अलग विचार साथ साथ काम कर सकते हैं, यह हमने साबित किया। यही तो डेमोक्रेसी है, सभी दल जनहित के मुद्दे पर साथ रहे और अपना एजेंडा भी नहीं छोड़ा। इसी वजह से दर्द था गद्दारों के पेट में। भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ महिला से दुष्कर्म के केस में आरोप में दिल्ली पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। तो मध्य प्रदेश में एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के यहाँ आय से 600 गुना ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है। वही भारतीय जनता पार्टी ने सीधी चुनौती दी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगस्त पार कर ले। तो उधर रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ट्रेन यात्रा के दौरान बच्चों के लिए अलग से टिकट बुक कराने की खबरों का खंडन किया है। इसी बीच देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी है। यहां एक बार फिर से बड़ी संख्या में मोबाइल और ईयरफोन बरामद हुए हैं। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों के विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ महिला से दुष्कर्म के आरोप में दिल्ली पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने 3 माह में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया है। 2018 में महिला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हुसैन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि शहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि तथ्यों से लगता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पूरी अनिच्छा प्रतीत होती है। जस्टिस आशा मेनन ने दिल्ली पुलिस को 3 माह के भीतर मामले की जांच करने और अपराध प्रक्रिया संहिता धारा 173 के तहत संबंधित अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस मेनन ने कहा है कि ऐसा लगता है कि पुलिस याचिकाकर्ता हुसैन के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में भी पूरी तरह से हिचक रही है। न्यायालय ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया। न्यायालय ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ भाजपा नेता हुसैन की अपील को आधारहीन बताकर खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है। इसी कड़ी में जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने ट्रांसपोर्ट ऑफिसर संतोष पॉल के घर छापेमारी की। संतोष पॉल के यहाँ आय से 600 गुना ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है। दरअसल ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई में संतोष के पास से 6 आलीशान मकान, 1 फार्म हाउस, 2 कार और मोटरसाइकिलें बरामद हुई। बताया जा रहा है कि ये सब संपत्ति काली कमाई से अर्जित की गई है।
अब तक की कार्यवाही में ईओडब्ल्यू ने 16 लाख कैश, सोने, चांदी के जेवर बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार संतोष पाल के 10,000 वर्ग फीट में बने आलीशान घर को देखकर ईओडब्ल्यू की टीम भी हैरान रह गई। बेसमेंट वाली 3 मंजिला घर में सारा सामान लग्जरी था। घर में लिफ्ट से लेकर महंगी शराब रखने की लकड़ी का केस, गार्डन, स्विमिंग पूल, झूमर, थिएटर और अन्य ऐसी चीजें घर पर दिखी। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू ने संतोष के घर पर छापेमारी की, जिसके लिए स्पेशल कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। संतोष के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की याचिका लगी थी, जिसके बाद अब संतोष पॉल और उनकी पत्नी रेखा पॉल की मुश्किलें बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से संतोष को छापे की भनक लग चुकी थी, इसलिए उसने कुछ लग्जरी सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। ईओडब्ल्यू को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, 30 सदस्यों की टीम देर रात ही छापा मारने पहुंच गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगस्त पार कर ले, भारतीय जनता पार्टी ने सीधी चुनौती दी है। शेल कंपनी केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखने के साथ हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगने के बाद एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे अपने लिए राहत के रूप में पेश कर रहा है, तो गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर जवाब में चुनौती दे डाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट के रूख का जिक्र करते हुए लिखा कि हमारे मुंगेरी लाल निशिकांत दुबे जी कुछ सुने कि नहीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर आइए और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में क्या कहा गया उसे जानिए और सीधा बाबूलाल मरांडी जी के साथ हरिद्वार निकल जाइए, शायद कुछ पाप धुल जाए। दुबे ने जवाब देते हुए लिखा, 100 सुनार की एक लोहार की, मुख्यमंत्री जी अगस्त पार कर ले। दुबे ने कहा कि दुमका में 4 दशक से एक ही परिवार का कब्जा है और अब ये खत्म हो सकता है। चुनाव आयोग से लेकर हाई कोर्ट, लोकपाल और अवैध माइंस भ्रष्टाचार समेत अन्य मामलों में आदेश आने वाला है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन डीज आवंटित करने में सुनवाई बुधवार को पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ट्रेन यात्रा के दौरान बच्चों के लिए अलग से टिकट बुक कराने की खबर को खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि नियम में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए अलग से टिकट लेना होगा, हालांकि मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को भ्रामक करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट तभी खरीदना होगा जब उन्हें अलग बर्थ चाहिए। अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं तो सुविधा मुफ्त है, जैसा कि पहले हुआ करता था। 6 मार्च 2020 के सर्कुलर का जिक्र करते हुए रेल मंत्रालय ने आगे कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की यात्रा मुफ्त है। मंत्रालय ने कहा कि अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ सीट मांगी जाएगी तो वयस्क के किराए के बराबर पैसे देने होंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्रेनों में यात्रा करने के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों से शुल्क लेने की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि रेलवे अब गरीबों के लिए नहीं है, अब लोग भाजपा का पूरा टिकट काट देंगे। रेलवे के इस स्पष्टीकरण के बाद राजनीतिक दाव धरा का धरा रह गया। भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि लोग भ्रामक खबरें फैलाकर जनता के हमदर्द बन रहे हैं, लेकिन पोल खुल रही है तो बैकफुट पर आ रहे हैं। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी है। यहाँ एक बार फिर से बड़ी संख्या में मोबाइल और ईयरफोन बरामद हुए हैं। ये मोबाइल बजरी के ट्रक में दबाकर जेल में पहुंचाए गए थे। बड़ी संख्या में मोबाइल और ईयरफोन मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। जोधपुर सेंट्रल जेल में पूर्व में भी कई बार कैदियों के पास मोबाइल बरामद हो चुके हैं। जेल प्रशासन अब इस मामले की शिकायत रातानाड़ा थाने में पेश करेगा। जानकारी के अनुसार जोधपुर सेंट्रल जेल में मरम्मत का कोई कार्य चल रहा है, इस दौरान वहाँ पर बजरी मंगवाई गयी थी। कल बुधवार को सेंट्रल जेल के भीतर बजरी पहुँच भी गयी। मजदूर जब बजरी को फैला रहे थे तो उन्हें उसमें 2 पैकेट मिले, इसकी सूचना जेल प्रशासन को दी गई। मौके पर जब उन पैकेट्स को खोला गया तब उनमें से 12 मोबाइल और 20 ईयरफोन बरामद हुए। उसके बाद जेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की है। पूर्व में भी जेल में मोबाइल की बरामदगी के बाद कुछ अधिकारियों और जेल कर्मियों पर गाज गिर चुकी है। जेल में कई बार किए जाने वाले औचक निरीक्षण में कैदियों के पास लगातार मोबाइल मिलते रहते हैं। राजस्थान में केवल जोधपुर सेंट्रल जेल ही नहीं बल्कि अन्य कई जेलों में मोबाइल मिलने की खबरें सामने आ चुकी है। गौरतलब है कि अपनी ही छात्रा के उत्पीड़न के आरोप में आसाराम भी जोधपुर सेंट्रल में ही जीवन के अंतिम सांस तक के लिए सजा काट रहा है। सऊदी अरब की एक महिला को पिटल चलाना भारी पड़ गया। दरअसल वहाँ की एक अदालत ने एक महिला को पिटल चलाने पर 34 साल की सजा सुनाई है।
तो दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को परमाणु बम समाप्त करने के एवज में भारी आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है। वहीं यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि जब भारत छूट पर रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो उसे ये समझना होगा कि इस डिस्काउंट की भरपाई कहीं और से नहीं बल्कि यूक्रेन के खून से होगी। तो उधर चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि 5G को लेकर जारी अवधारणा के बीच 6G की गंभीर बातें सामने आ रही हैं और वो ये है कि 6G हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकती है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटिश विदेश सचिव लीज ट्रस से पिछड़ते जा रहे हैं। कंजर्वेटिव होम वेबसाइट द्वारा यूके टोरी सदस्यों के ताज़ा सर्वेक्षण में लीज ट्रस ऋषि सुनक के मुकाबले 32 अंकों की बढ़त बना ली है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सऊदी अरब की एक महिला को ट्विटर चलाना भारी पड़ गया। दरअसल वहां की एक अदालत ने एक महिला को ट्विटर चलाने पर 34 साल की सजा सुनाई है। ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली ये सऊदी महिला सलमा अल शहाब है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। उन पर लगे आरोपों में कहा गया है कि वे देश में सार्वजनिक अशांति पैदा करने के लिए एक्टिविस्टों की मदद कर रही है। दरअसल ट्विटर पर सलमा के 2600 फॉलोअर्स हैं। वे सुन्नी देश की मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में लिखती रहती थी। मुस्लिम देशों की रूढ़िवादी सोच पर सलमा मुंहतोड़ जवाब देती थी। वे कई एक्टिविस्टों को फॉलो भी करती थी। महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को रीट्वीट किया करती थी। इसलिए सलमा इस देश की नजरों में एक अपराधी बन गई। सलमा जब 2021 में ब्रिटेन से अपनी छुट्टी पर सऊदी आई थी तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जून के महीने में उनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से 3 साल की सजा निलंबित हो गई और उनकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब इस सजा को और सख्त कर दिया गया है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार सलमा अल शहाब के खिलाफ राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और असंतुष्टों की सहायता के लिए सऊदी अपील अदालत ने 9 अगस्त को सजा सुनाई। सजा के तहत 34 साल के लिए विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण प्योंगन प्रांत के ओंचोन से पश्चिम सागर में 2 क्रूज मिसाइलें दागी, जिसके बाद से दक्षिण कोरिया में दहशत का माहौल है। फिलहाल इन मिसाइलों की रेंज और ताकत को लेकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारी विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया अब उत्तर कोरिया से बातचीत का आह्वान करने लगा है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को परमाणु बम समाप्त करने के एवज में भारी आर्थिक सहायता देने की भी पेशकश की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर कहा कि अगर उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को खत्म करता है तो हम चरणबद्ध तरीके से अपने पड़ोसी देश को आर्थिक सहायता प्रदान करने को तैयार है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि वो पहले अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट कर दे और फिर हम उन्हें सहायता देंगे। हम चरणबद्ध तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि दक्षिण उत्तर के बीच कोई भी संवाद एक राजनीतिक शो नहीं होना चाहिए, बल्कि कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशिया में वास्तविक शांति स्थापित करने के लिए होना चाहिए। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव पर अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उत्तर कोरिया की मांग है कि पहले उसके ऊपर लगे आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए, इसके बाद वो परमाणु हथियार समाप्त करेगा। रूस से तेल खरीदने को लेकर यूक्रेन ने भारत पर जमकर भड़ास निकाली है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि यूक्रेन को भारत से अधिक व्यावहारिक समर्थन की उम्मीद है। यूक्रेन भारत का एक विश्वसनीय भागीदार रहा है, लेकिन रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत असल में यूक्रेनी खून खरीद रहा है। यूक्रेन की एक कठोर टिप्पणी ऐसे वक्त पर हुई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैंकॉक में रूस से तेल एवं गैस खरीदने को लेकर देश का बचाव किया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि जब भारत छूट पर रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो उसे ये समझना होगा कि इस डिस्काउंट की भरपाई कहीं और से नहीं बल्कि यूक्रेन के खून से होगी। भारत को मिलने वाले रूसी कच्चे तेल के हर बैरल में यूक्रेन का लहू मिला है। हम भारत के लिए मित्रवत रहे हैं। मैंने देश में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में समर्थन किया था। गौरतलब है कि 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों की आलोचना के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा। उल्टे भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद तेल आयात और बढ़ाया है तथा उसके साथ व्यापार भी जारी रखा है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल की खरीद बंद करें, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके लिए सस्ती दरों पर तेल खरीदना प्राथमिकता है। भारत में इस साल के अंत तक 5G के आ जाने की बात चल रही है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां बड़ी शिद्दत से 6G का इंतजार किया जा रहा है।
लेकिन इसी बीच शोधकर्ताओं के एक दावे ने इस उन्नत तकनीक को लेकर चिंताएं पैदा कर दी है। चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकती है। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडियो तरंगों का टेराहर्ट्ज बैंड किसी भी स्मार्टफोन की बैंडविड्थ को 1 टेराबाइट प्रति सेकंड तक बढ़ाने में सक्षम है। इसका हमारे मस्तिष्क पर बेहद बुरा असर पड़ता है। प्रयोगशाला में चूहों की कोशिकाओं के विकिरण के संपर्क में आने पर उसके न्यूरॉन्स में लगभग 150% की वृद्धि पाई गई है। इस अवलोकन ने शुरू में शोधकर्ताओं को भ्रमित कर दिया। शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि मस्तिष्क की कोशिकाओं की तीव्र गति से वृद्धि होती है, हालांकि वे स्वस्थ रहने में सक्षम थे। इस शोध के मुताबिक वैज्ञानिक मस्तिष्क रोगों के इलाज के लिए उपचार विकसित करने के लिए अभी इस विषय और अध्ययन करेंगे। इस रिसर्च को बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में स्टेट की लेबोरेटरी ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस एंड लर्निंग ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जारी रखने का निर्णय किया है। रिसर्च पेपर में कहा गया है कि मस्तिष्क कोशिकाएं एक बिंदु के बाद बढ़ना बंद कर देंगी और ऐसी परिस्थिति संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरे की घंटी होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटिश विदेश सचिव ली ट्रस से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कंजर्वेटिव होम वेबसाइट द्वारा यूके टोरी सदस्यों के ताजा सर्वेक्षण में ली ट्रस ने ऋषि सुनक के मुकाबले 32 अंकों की बढ़त बना ली है। इससे ट्रस बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी बनने की रेस में काफी आगे निकल चुके हैं। प्रभावशाली वेबसाइट द्वारा मतदान किए गए टोरी के 961 सदस्यों में से लगभग 60% ने कहा कि उन्होंने ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता बनने का समर्थन किया है, जबकि सिर्फ 28% सांसदों ने सुनक का समर्थन किया। चुनावों और सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ली ट्रस सुनक के मुकाबले बढ़त बनाए हुए है। अब सुनक के लिए पीएम बनने की राह में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ली ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने की रेस में लोगों की सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनकर उभरी है। चुनाव का परिणाम 5 सितंबर को आने वाला है, जब ये तय हो जाएगा कि बोरिस जॉनसन का उत्तराधिकारी कौन होगा। 5 सितंबर को फैसला हो जाएगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ली ट्रस होंगे या भारतवंशी ऋषि सुनक। इससे पहले हालांकि ऋषि सुनक ने बड़ा दाव चला था, जब उन्होंने 7 साल में इनकम टैक्स में 20% कटौती का वादा किया था। बावजूद इसके ली के यूके के पीएम बनने की संभावना प्रबल होती दिख रही है। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।